हेलो एवरीवन, माय नेम इज चरण। टुडे आई एम हियर टू अपडेट अबाउट कवारदनो बलकारिन स्टेट यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कवारदनो में ऑलरेडी बैचेस आ चुके हैं, बच्चों की क्लासेस 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। इस बार कवारदनो में थोड़ा स्टूडेंट्स बहुत पहले आ गए थे, अगस्त में ही सारे स्टूडेंट्स आ गए थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कोशिश किया, यूनिवर्सिटी ने बोला था कि हम जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम फिनिश करवा के बच्चों को यूनिवर्सिटी में ही क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे। यूनिवर्सिटी में बच्चे बहुत टाइम से आगे थे, ऑलरेडी अगस्त के महीने में आगे थे सारे बैचेस ऑलमोस्ट। कुछ बच्चे थे जिनका बैच रह रहा था, तो अभी रिसेंटली कुछ बच्चे सितंबर के मिडिल में आए हैं, लेकिन सारे बच्चों का अच्छे से काम हो गया, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं बच्चों की वीडियो फोटोज़ भी अपलोड कर दूंगा। सारे बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी, अप्रॉक्सीमेटली 80-90 स्टूडेंट्स ने मेरे थ्रू इस बार, मतलब स्टूडेंट्स ने बहुत सारे ने अप्लाई किया, लेकिन सीट बहुत कम स्टूडेंट्स को मिल पाई। तो यही कहना चाहूँगा बच्चों को कि बच्चों, जो भी स्टूडेंट्स अगर कवारदनो के लिए देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो अपना पासपोर्ट जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करके रखें अगली साल के लिए। अगर आप अगली साल के लिए कंफर्म हो कि हाँ आपको कवारदनो ही यूनिवर्सिटी में आना है, और कवारदनो यूनिवर्सिटी में आने के लिए आपको पासपोर्ट सबसे पहले मैंडेटरी लगता है। और इससे अलग मैं कुछ कंसल्टेंसीज के बारे में बताना चाहूँगा। जो कंसल्टेंसीज हैं, कंसल्टेंसीज का क्या है कि वो लोग बहुत लंबी कमिटमेंट करते थे कि हमने कवारदनो को एक्सक्लूसिवली रखा है, और कवारदनो में हमारे अलावा कोई भी इस बार एडमिशन नहीं करा पाएगा। इवन मेरा नाम तक लेके अपनी वीडियोस में या फिर अपने एडवर्टाइजमेंट जो भी कर रहे थे अपने लोकल में, तो मेरा नाम लेके भी बोल रहे थे कि चरण इस बार एडमिशन नहीं करवा पाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो देखो, मैं किसी के बारे में यहाँ पे कोई भी बुरा भला नहीं बोलता हूँ, ना किसी का नाम मेंशन करता हूँ। आप लोगों को पता है कौन कौन सी कंसल्टेंसीज किस किस यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करती हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँगा यहाँ पे वीडियो में। बट हाँ, मैंने आज तक जो भी कमिटमेंट किया है, जिस भी बच्चे से कमिटमेंट किया है, मैंने हमेशा पूरी करी है। उस बच्चे की कमिटमेंट, उस फैमिली की कमिटमेंट जिससे मैंने कमिटमेंट किया कि आपके बच्चे को मेरे होते हुए यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 270-280 स्टूडेंट्स अभी के टाइम में मेरे ओनली सिर्फ मेरी कंसल्टेंसी से कवारदनो में पढ़ रहे हैं अभी के टाइम में, लेकिन एक भी स्टूडेंट को आज तक यूनिवर्सिटी में फ़ीस से, डॉक्यूमेंटेशन से या एजुकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि मैं खुद यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ। मेरा ऑलरेडी मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं यहीं से अपनी FMG की प्रिपरेशन कर रहा हूँ बच्चों की हेल्प के लिए, और कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में, सारी चीज़ों में। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से चला गया हूँ या फिर कोई यहाँ पे मेरे जाने के बाद हेल्प कौन करेगा। यहाँ पे प्रॉपर टीम रहती है, मैं खुद रहता हूँ यहाँ पे हेल्प करने के लिए। तो टेंशन लेने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ ऑलरेडी सभी बच्चों की हेल्प करने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज। इससे अलग जो मैं उन कंसल्टेंसीज के बारे में बोलना चाहूँगा जो फेक रूमर्स मनाते हैं हमेशा, कुछ बच्चे ऐसे भी जो यूनिवर्सिटी के सामने फर्स्ट ईयर में आए हैं और कैमरा उठा के बोल रहे हैं हम एडमिशन करा देंगे। तो गाइज़, एडमिशन कराने से पहले एक बार देख लेना कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई जूनियर आपके साथ फ्रॉड ना कर दे। हम ऑफिशियली कंसल्टेंसी रन करते हैं, हमारी कंपनी ऑफिशियली इंडिया में रजिस्टर्ड है। अगर इन बच्चों के थ्रू अगर आप प्रोसेस कराते हो, आपको पैसा फंसता है, यूनिवर्सिटी से एक्सपेल हो जाते हैं या कुछ भी होता है, तो आपका फ्यूचर, आपका पैसा, दोनों ही चीज़ें आप लूज कर सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना किसी भी बच्चे को कांटेक्ट करने से पहले, एक बार उसके बारे में वेरीफाई कर लेना, उसके कितने स्टूडेंट हैं, उसने हेल्प की भी है नहीं किया है, या फिर वो ऐसे ही कैमरा उठा के वीडियो शूट कर लेते हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान देना। गाइस, आप लोगों को एक और अपडेट देनी है, अच्छी अपडेट देनी है कि अपनी कंपनी की वेबसाइट, जो अपनी कंसल्टेंसी है उसकी वेबसाइट ऑलरेडी रेडी हो चुकी है, हमारी कंपनी का काम रेडी हो चुका है वेबसाइट का। आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, आप कंट्री के बारे में सेलेक्ट कर सकते हो, आपको जो भी डिटेल चाहिए, जो भी क्वारीज है आपकी, आप वेबसाइट पे ऑफिशियली क्वेश्चनिंग कर सकते हो। वहाँ पे प्रॉपर टीम आपको रिस्पांस देगी डॉक्टर इंस्पायरेशन के नाम से, drinspiration.co.in करके आपको वेबसाइट मिलेगी। आप उस वेबसाइट पे ईमेल कर सकते हो, क्वारीज कर सकते हो, अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी क्वारी हो या आपको पेमेंट भी करनी हो, तो आप वेबसाइट के थ्रू पेमेंट कर सकते हो एज ए लीगल वे। ऑफिशियली काम करने के लिए, ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमने वेबसाइट पे काम किया है, वेबसाइट प्रिपेयर होने में बहुत टाइम लगा, तो आप ऑफिशियली वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।